क्वेश्चन इज फॉर अलार्म रिंग द इंटरवल्स ऑफ सिक्स ऐट ट्वेल्व एंड एटीन मिनट्स इफ ऑल अलार्म रिंग टुगेदर एट नाइन ए एम दैन वट टाइम दे रिंग टुगेदर अगेन क्वेश्चन क्या है कि अलार्म है हमारे पास सिक्स एट ट्वेल्व एंड एटीन मिनट्स पर वो क्या करते हैं रिंग करते हैं इंटरवल्स ऑफ सिक्स एट ट्वेल्व एंड एटीन मिनट्स के इंटरवल पर रिंग कर रहे हैं अगर सारे अलार्म सब अलार्म इकट्ठे एक साथ रिंग करें एट नाइन ए एम नौ बजे देन वट टाइम दे रिंग टूगैदर अगेन देन वो कौन सा टाइम होगा जब वो दोबारा एक साथ रिंग करेंगे अगेन ठीक है तो इस केस में हम क्या करते हैं ऐसे अगर जो क्वेश्चन आ जाए कि इतने टाइम पर एक बार रिंग किया देन अगेन कब रिंग करेगा अलम ठीक है एक साथ तो 6 8 12 एंड 18 का हम क्या निकाल लेते हैं एल्सियम ठीक है LCM, 6 8 12 एंड 18 का हम एल्सियम फाइंड आउट कर लेते हैं ठीक है तो ये सबसे छोटे से छोटे प्राइम फैक्टर पे हमने इसे क्या करना है कैंसिल करना है ठीक है ये आ जाएगा हमारे पास 3 1 3 9 देन ये थ्री पे गया एंड अगेन ये थ्री पे ठीक है तो एलसएम ये हमारे पास आ गया टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री मीन्स एट इंटू नाइन मीन्स सेवेंटी टू अब ये क्या है रिंग एट द इंटरवल्स ऑफ सिक्स एट 12 एट इन मिनट्स मिनट्स में दिया हुआ है ये टाइमिंग ठीक है तो ये एल्सियम जो आया ये भी हमारा क्या आया इन मिनट्स आ गया ठीक है 72 टू मिनट्स अब 72 टू मिनट्स को हम आर्स में लिखे तो क्या होगा सिक्सटी प्लस ट्वेल्व सिक्सटी मिनट प्लस ट्वेल्व मिनट लिख सकते हैं हम सेवेंटी टू को सिक्सटी मिनट मीन्स वन आर प्लस ट्वेल्व मिनट ठीक है मीन्स वन आर ट्वेल्व मिनट्स ठीक है अब उसने बोला था इफ ऑल अलार्म रिंग टुगेदर एट नाइन ए एम जब सारे अलार्म कितने बजे दोबारा रिंग किए थे एक साथ कितने बजे किए थे रिंग नाइन ए एम पे नाइन ए एम पे किए थे ठीक है देन अब कितने देर बाद करेंगे सब एक साथ वन आर ट्वेल्व मिनट के बाद मीन्स टेन 12 पर दोबारा रिंग करेंगे 10 12 एम पर दोबारा रिंग करेंगे एक साथ सारे अलार्म ठीक है क्लियर है एलसीएम लिया हमने एलसीएम आया हमारे पास उसको मिनट्स में था आर्स में चेंज किया एक साथ 9 बजे रिंग करे थे देन अब 10 12 पे दोबारा एक साथ रिंग करेंगे ठीक है क्लियर है थैंक यू